नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव का एक फेज पूरा हो चुका है, दो और उसके फेजेस बाकी हैं, लेकिन लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में बड़ी भीड़ आ रही है, क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, उसकी तरफ एक इशारा कर रहा है। लेकिन इसी दौरान लगातार आवाजें आ रही हैं जंगल राज को लेकर। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज का युवराज तेजस्वी यादव को, हालांकि बड़े ही डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया। लेकिन कई लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या लालू यादव से बिल्कुल अलग होंगे तेजस्वी यादव? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि हमें तेजस्वी यादव स्वीकार हैं अगर वो माइनस लालू यादव आते हैं, लालू यादव को घर रखकर आए, अपने पिता की छाया से दूर रहें तो हम उन्हें वोट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी एक तरह से जिज्ञासा होती है कि आखिर ये जंगल राज था क्या, ये जंगल राज क्यों कहलाया गया, क्या ये सिर्फ एक तरह से एक सवर्ण विमर्श का एक हिस्सा है कि जब पिछड़ों की राजनीति होती है तो उसे जंगल राज कहा जाता है, जब तक सवर्णों का उस पूरे स्ट्रक्चर पे कब्जा रहता है तब तक वो मंगल राज या राम राज कहलाया जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी से ये पता चलेगा कि अगर कल को हम देखते हैं 10 नवंबर को तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाने के काबिल हो भी जाते हैं तो उनकी सरकार कैसी होगी, वो किस तरह के मुख्यमंत्री होंगे, क्या वो लालू यादव के बेटे जैसे ही होंगे या उन्होंने अपना एक नया ब्रांड बनाया है, क्या उनके लिए ये मुमकिन भी है कि लालू यादव की विरासत को वो छोड़ दें, और क्या ये समझदारी है या वाकई ये समझना चाहिए कि जो लालू यादव ने अपने राज में अपना जो उनका पूरा राजनीतिक संघर्ष रहा उसकी जो जमीन तैयार हुई उसी की बुनियाद पर आज तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। आइए इस पर बातचीत करते हैं, और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, और एक तरह से एक ड्रीम पैनल है इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ सतीश के सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पिछले कई दशकों से टीवी न्यूज का जो इतिहास है उसका एक चेहरा बने रहे, जी न्यूज से लेकर एनडीटीवी इंडिया तक उन्होंने तमाम चैनलों को बनाया, आगे बढ़ाया। मेरे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर रतनलाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एक तरह से अथॉरिटी माने जाते हैं, जो पिछड़ों की राजनीति है, दलित राजनीति है और भारतीय राजनीति इसके अलावा, यानी कि एक दलित पर्सपेक्टिव से भारतीय राजनीति को कैसे देखा जाए, मैंने एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र के तौर पर उनकी किताबों उनके साहित्य से सीखा है। प्रोफेसर रिजवान कैसर मेरे साथ मौजूद हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास पढ़ाते हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, टीवी का जाना माना चेहरा है और उनका भी एक अलग नजरिया है इतिहास को देखने का। कई बार जब भी ऐतिहासिक सवालों में फंस जाते हैं तो उनकी तरफ नजर जाती है कि एक बार रिजवान कैसर को पढ़ लेते हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे डिबेट की, इस पूरे डिस्कशन की, कि ये तीनों लोग, इनकी पृष्ठभूमि बिहार से है, तो ऑथेंटिक बिहारी तीन मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। सबसे पहले प्रोफेसर रतनलाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगातार जो है वो एक इंट्रीग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि ऐसा कैसा जंगल राज था जिसको लेकर अब भी डराया जा सकता है, ये होता क्या है जंगल राज आखिर? जंगल राज तो ये होता है कि महिला अगर मर्सिडीज चला रही है वो जंगल राज हो गया। इसकी पूरे अवधारणा को समझने की जरूरत है। रिजवान साहब हैं, सतीश सर हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा आइडिया आता है पुराणों से, आता है पुराणों से। कहते हैं ना कि कलयुग आ गया, तो कलयुग है क्या आखिर, इस पे बहस होनी चाहिए। कलयुग का मतलब है वर्णाश्रम धर्म का टूट जाना, कलयुग का मतलब है जाति व्यवस्था का नाश होना, विद्रोह होना। तो जब जब जो है जाति व्यवस्था के वर्चस्व पे जब जब सवाल उठाए गए हैं, या तो कलयुग है या जंगल राज है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, और दुख की बात यह है कि जितने सेकुलर गठबंधन और जितने तमाम महागठबंधन बने हैं उनके एजेंडा में न तो सेकुलरिज्म आया, न सोशल जस्टिस आया, न प्राइवेटाइजेशन आया। जो लोग कहते हैं कि जंगल राज है, और आरजेडी और महागठबंधन के प्रवक्ताओं से पूछा जाना, वो डिफेंड क्यों नहीं कर रहे? 90 के पहले हम लोग सब बिहार से आते हैं, तो 90 के पहले बिहार में क्या मंगल राज था? गंगा बह रही थी, उसमें सब डुबकी लगा रहे थे, दलित ब्राह्मण महिलाएं सब लोग एक समान रह रहे थे। ये कॉलेज में गोलियां मारी जा रही थी, हॉस्टल में घुसे गोली मारे जा रहे थे, जातियों के नाम से कॉलेज बटा हुआ था। मैं तो वही पढ़ा हूँ ना, मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ा हूँ, मैं मोतिहारी में पढ़ा हूँ, तो हमने देखा ना किसी औकात थी बोलने की। तो ये जो है ये डोमिनेंट नैरेटिव, जो डोमिनेंट लोग होते हैं नैरेटिव तैयार करते। दुख इस बात का है कि आरजेडी और उनके प्रवक्ता और महागठबंधन के लोग, उनमें इतनी बौद्धिक कंगाली है कि लालू यादव के शासन को जो डिफेंड नहीं कर सकता है, क्या कहा जाए फिर?
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में कम है, कहां नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात में नरसंहार, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है, वह जाके बिहार में कह रहा है कि जंगल राज आ गया। सीएम रहते नरसंहार हुआ गुजरात में, ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है। अभी क्या 5 साल से हम लोग लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे, कभी गौ मांस के नाम पे, कभी कुछ जो है, अब मार रहे हैं मुसलमानों को, दलितों को हत्या हो रही है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग मारे गए हैं। ये कौन सा राज है पहले बताएं। नहीं, लेकिन लेकिन डॉक्टर रतनलाल ये बताइए कि अगर ये इतना अच्छा राज था तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं तस्वीरें और पोस्टरों में लालू यादव को लगा देते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि जंगल राज तो वो क्यों कहते हैं कि वैसा नहीं होगा। इसका जवाब तो तेजस्वी यादव देगा या उनके प्रवक्ता देंगे। मुझे अगर लिखना हो तो मैं तो पूरा, मैंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी आजादी के बाद से, मैंने तो लेख भी लिखा है जंगल राज मिथक या यथार्थ। हमने जातीय दमन देखा है, पहले एक डंडा से, एक डंडा उठा के सतीश सर हैं, रिजवान साहब हैं, ये बता दें मैं गलत कह रहा हूं, एक डंडा से पूरे गांव का गांव दलित का हाँक लेते थे। एक लौंडा आता था, एक डंडा उठाता था, चलो भागो इधर से, गांव के गांव दलित हाँक लेते थे। और आपको गोली मारनी पड़ रही है ना, मूंछ रखने पे गोली चलाना पड़ रहा है आपको। आप सामाजिक परिवर्तन की धारा देखिए, एक दिन में क्रांति नहीं होती। इसी बिहार को, उत्तर भारत को हम लोगों ने करीबी से देखा है, एक शिक्षक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, आधा जर्नलिस्ट तो मैं भी हूं, हमने देखा है ना गांव गांव जाके है, मैंने जर्नलिज्म पे मैंने काम किया है, लेख लिखा है डाइवर्सिटी के ऊपर, लेख लिखा है। एक डंडा में दलित सबको मार मार के गांव का गांव हाँक देता था 90 के पहले, तो कौन सा राज था। ये जवाब दे नरेंद्र मोदी दे और योगी दे। सतीश जी ये बताइए कि क्या दलित असर्शन, पिछड़ों का असर्शन, क्या उसे जंगल राज कहेंगे? और क्या जो सवर्ण समाज का आधिपत्य समाज पर, राजनीति पर, पैसे पे, सत्ता पे, क्या वो मंगल राज है? देखिए क्या है कि एक चीज के गलत होने से दूसरी चीज सही नहीं हो जाती, तो मैं तो इतना कहूंगा कि जो जंगल राज का एक जुमला बना भाई, जो दलित असर्शन या पिछड़े वर्ग का जो असर्शन चालू हुआ था, वो चालू हुआ, वो अगर अपहरण में बदल जाए, फिरौती में बदल जाए, और उसके बाद जो है 5-10 लोगों का, एक जाति विशेष के 4 लोगों के उसमें बन जाए, तो उसी को शायद जो चुनावी पॉलिटिकल एक्सपीडियंस वाले लोग हैं उन्होंने उसको जंगल राज का नाम दे दिया। लेकिन इससे कतई नहीं आप इनकार कर सकते कि जो पिछड़ों की और ओबीसी की और दलितों की अगर 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 मुख्य धारा में बात हुई, और मैं रतनलाल जी के बात से सहमत हूं कि एक डंडे से हाँकते थे, ये दम बिल्कुल सही, लेकिन अगर वो गुंडों के राज में बदल जाए तो ये तो और छल छलावा है कि सरेआम लड़कियां उठा ली जाती थी, स्कूल कॉलेज के की क्या स्थिति हो गई थी हम जानते हैं। मैं उसी इलाके से आता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत, आप बोलेंगे इसको असर्शन, आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति का क्या लेना देना भाई। हम भी 6-7 बजे के बाद अपने गांव नहीं जा सकते, ये कौन सा असर्शन है। असर्शन यह है कि सारी चीजें प्रोसेस से होती है। क्या कोई कहेगा कि मनरेगा खराब है? हालांकि वो रिलीफ है, वो वेलफेयर है, वो एक मजबूरी है। कोई नहीं कहेगा कि राइट टू वर्क जो मिला हुआ, मतलब सॉरी, राइट टू फूड मिला हुआ गलत है, कोई नहीं कहेगा। ये भी प्रोसेस का बात है, ये भी प्रोसेस का पाद है, बात है कि अगर आपको टॉयलेट मिलता है, आपको छप्पर मिलता है, आपको आवास मिलता है, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है, तो क्या उनको मिलता है? मूछ रखने वालों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2-10, ये नहीं है। हम रतनलाल जी से इस बात में भी सहमत है कि वो 90 से पहले भी था, हाँ वो राज गुंडों का था, लेकिन ये जुमला है। लेकिन अगर उसमें बीमारी आ जाए, वो ज्यादा छल छलावा है, ज्यादा छल छलावा है। अरे भाई हमें ये बताइए आरफा जी, रिजवान साहब और रतनलाल जी,
कि भैया एक बात बताइए कि 15 साल में अगर 70,000 नौकरियां मिले और जब लिबरलाइजेशन आ रहा हो तो बात है कि सब जगह तो सरकारें छोटी होती जा रही हैं, तो जो एसर्शन है वो कैसे होगा? आप उनको नौकरी में जगह नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो 15 साल जिसको पॉलिटिकल ओपोनेंट बोलते हैं जंगल राज, उसमें 17,000 का नौकरी मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से कम 70 लाख। ठीक है रिजवान कैसा साहब, आपने इन दोनों के तजुर्बे सुने और जाहिर है हम जिस दुनिया से आते हैं, हमने जो जीवन जिया है उसी हिसाब से अपनी राय हम बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आप भारतीय राजनीति के मानचित्र पर देखें तो उन 15 सालों की जो खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने जिया नहीं है उसको, लेकिन मैं समझती हूँ, मैंने पिछड़ों की राजनीति को न सिर्फ के पत्रकार की हैसियत से बल्कि बाकायदा मैंने PhD की है इस पर, लेकिन फिर भी मैं वो एक्सपीरियंस नहीं जी सकती हूँ जो एक बिहार में रहने वाले दलित या पिछड़े समुदाय के व्यक्ति ने जिया होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी बिहार से आते हैं, आप उस वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, एक इतिहास कार होने के नाते और एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से जो बिहार का है लेकिन वर्ण व्यवस्था से उसका लेना देना नहीं है, आपने कैसे देखा? क्या आप इसको जंगल राज कहेंगे या नहीं? पहली बात तो यही पूछना चाहते हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रतन लाल जी ने जो बात कही, सतीश जी ने बात कही, अपने अपने पर्सपेक्टिव में उन लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन जो जंगल राज का जो नया जुमला निकला और हम तमाम सारे लोग उसके पीछे लगे हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं तमाम सारी चीजें, तो मैं तो अपने लिए ये कहूंगा कि एक इतिहास का छात्र होने के नाते हमें तो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी, तमाम सारी चीजें रिकॉर्ड पे जाती। अरफा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रतन लाल उम्र में हमसे भी छोटे हैं, सतीश जी और हम दोनों शायद बराबर होंगे, 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी का आना उनको याद होगा, और कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो आरक्षण की प्रक्रिया नए तरीके से चलाई गई थी कि जो सबसे कमजोर तबका हो वो OBC में वो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, तो आरफा मैं आपको याद दिलाना, आप भी बहुत छोटी हैं उम्र में हमसे, एक नारा चला था सवर्णों की तरफ से, और वो नारा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 100 साल पहले जादव ग्वार था, 100 साल पहले जादव ग्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। When जादव स्टार्टेड सीकिंग, अपने लिए एक इज्जत की जगह जब ढूंढना चाह रहा था तो उसको ग्वाला कहा गया, और बिहार में ग्वाला भी नहीं कहा जाता था, तो ग्वार है। नो मान सम्मान की राजनीति जो लालू जी के समय के बाद से जो लेकर करके चली है, जाहिर से बात है कि वो जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, वो जिसको संस्कार कहते हैं, उस संस्कार की परिधि से तो हमेशा उसको बाहर माना गया, तो इन्हें में कहीं ना कहीं जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे सतीश जी, जब सत्ता उनके हाथों में आया तो सत्ता का नाजायज इस्तेमाल भी हुआ, ये भी इतिहास ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि एक लाठी से दलितों को हकाया जाता था, और जो OBC समाज है आरिफा, वो अपनी जुबान नहीं खोल सकता था बाबू साहब लोगों के सामने। तो लालू जी ने जो हमेशा एक नारा दिया था कि मान सम्मान की राजनीति है, तो कहीं ना कोशिश ये थी कि जो OBC है, जो दलित है, इसके मान सम्मान की राजनीति। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर है जो हम में से किन्हीं ने, अभी पीछे दोनों वक्ताओं में से उनकी जुबान पे भी इसका जिक्र नहीं आया, आगे वो एलैबोरेट करेंगे। इसे मुसलमानों से पूछे कि लालू प्रसाद यादव का रिजीम क्या था 15 सालों तक, मैंने उस सवाल मुसलमान का मैं बताता हूं, 2005 के इलेक्शन के संदर्भ में पटना सिटी के एक पान के खोखा वाले से पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि आप किसको वोट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि, और बिहारी टोन में मैं बताना चाहता हूं आरफा आपको, उन्होंने कहा कि लालू जी को देंगे वोट। तो जर्नलिस्ट ने काउंटर सवाल किया कि लालू जी को क्यों देंगे वोट, बोले देखिए जी लालू जी को वोट देने से कम इतना होगा कि हमारा पान का खोखा नहीं जलाया जाएगा, यानी एक पान का खोखा लालू के रहने से जितना सुरक्षित हो सकता है। आप ये समझिए कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जंगल राज बताया जा रहा है, उसी लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर वहां की ब्यूरोक्रेसी कांपती थी लालू से, और ये था कि राइट्स होने नहीं चाहिए। 17% बिहार की आबादी के लिए जाकर के पूछे क्या वो जंगल राज था? तो सवाल ये है कि अच्छा आपको मैं बताऊं अरफा, एक और भी बात, ये एक मापदंड के तौर पर है, और मैं रतन लाल जी और सतीश जी से आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। मैं उस जनरेशन का आदमी हूं अरफा, जो 80 के दशक में दिल्ली आना शुरू हुआ था बिहार के लोगों का,
लालू जी कहीं दिखने वाले थे ना, बिहार के शैक्षिक संस्थाएं गड्ढे में गिरनी शुरू हो चुकी थी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहारी स्टूडेंट्स की मौजूदगी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बिहारियों की मौजूदगी को आप इस बात से आकलन कर सकती हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी थी, लालू प्रसाद यादव कहीं पर भी देखने में नहीं थे। तो किस जंगल राज की हम बात कर रहे हैं? हम ये फिरौती का कल्चर बना, कॉटेज इंडस्ट्री था। मैं डॉक्टर रतनलाल की तरफ जाना चाहती हूँ, थोड़ा सवाल भी ज्यादा है। मैं समझती हूँ कि आप सबके, आप तीनों के जो तजुर्बे हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, और ये मुझे लगता है कि अहम काम है। ये कोई, ये रोज जो मैं डिबेट करती हूँ, रोज डिस्कशन करती हूँ, उस जैसा डिस्कशन नहीं है। मैं समझती हूँ कि तीनों लोग जिन्होंने अपने नजरियात को समझा, बिहार को के जो तजुर्बे हैं, उनके जीवन के जो अनुभव है, वो इसको वीडियो डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या जो प्रो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है, क्या जरूरी है उसका एंटी अपर कास्ट भी होना? क्योंकि मैं इसलिए समझ रही हूँ कि जो प्रो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है वो हम समझते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, एक ऐसी पॉलिटिक्स जो हमें प्रगतिशीलता की तरफ ले जाती है। तो जब ये हम मानते हैं कि जो अपर कास्ट का ऑपरेशन था, जो उनकी जुल्म ज्यादती थी, वो खराब थी, तो क्या ये मान लें कि जब पिछड़ी जाति आएगी तो वो भी जुल्म ज्यादती करेगी? तो इन दोनों शासनों को हम किस तरह से देखेंगे, कैसे हम बताएंगे कि पिछड़ों का शासन अग्रों के शासन से बेहतर है? देखिए, एक तो बात यह है कि मैं यहाँ पे कोई क्राइम और फिरौती को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो गलत है गलत है, और वो गलतियां हुई हैं और हर रिजिम में हुई है। सवाल है, इतिहास को आप जब देखेंगे आधा अधूरा देखेंगे तब दिक्कत है वहां पे। आप एक बार बताइए, 90 के पहले क्योंकि कांग्रेस रिजिम में थी, आरजेडी चाहे लोग नहीं बात करना चाहते 90 के पहले, क्योंकि अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है। तो 90 के पहले जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी उसकी सामाजिक शक्तियां कौन सी थी? वही सामाजिक शक्तियां थी जो आज बीजेपी में है या फिर नीतीश कुमार के साथ है। समाज तो वही रहता है ना। अगर मान लीजिए कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अगर हक मारा गया तो कौन मारा है हक? बांग्लादेश का आदमी आके हक मारा है, अमेरिका का आदमी हक मारा है, यहाँ पे हकमारी किसने की है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 साल हो गया 1922 के बाद, एक भी वाइस चांसलर नहीं बना है अगर दलित, तो क्या अमेरिका का आदमी के बनना है यहाँ पे? ये सवाल उठाना हमारा काम है। सुनिए कि आपको, देखिए हम किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोल रहे हैं, इतिहास के छात्र होने के नाते बोल रहे हैं कि अपहरण, फिरौती, 90 के पहले मैं गैंग सब का नाम बता सकता हूँ, बिहार में कौन कौन गैंग सब था, मुजफ्फरपुर में कौन लोग था, जानती हैं आप? रिक्शा वाला को मारता था, पैसा नहीं देता था रिक्शा चल के, मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा घर है वहां पे, जहाँ डीएम को मारा गया कृष्णैया को, वही मेरा घर है। कि लोग आते थे मार के, जो है होटल में खाना खा लिया, पैसा नहीं देते थे, जूता पॉलिश करवाए, पैसा नहीं देते थे, रिक्शा पे चलते थे, मारा रिक्शा वाला को चार हाथ, उस पे ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं? वो कौन सा राज था उसको डिफाइन करिए। क्योंकि जो डोमिनेंट नैरेटिव में कौन लोग हैं? डोमिनेंट नैरेटिव में अपर कास्ट, अपर क्लास लोग। तो 90 के पहले के इतिहास के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं? मैं तो कृष्ण बाबू के जमाने से मैं बात करना चाहता हूँ, आजादी के पहले से बात करना चाहता हूँ। 37 में जब चुनाव हुआ बिहार में, उसमें क्या हुआ चलिए बहस करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ उससे बहस करते हैं। सारे विश्वविद्यालय वहां अपर कास्ट के लोग के गढ़ थे और वहां गुंडे बसते थे विश्वविद्यालयों में। नाम मैं बता सकता हूँ, सतीश सर, रिजवान साहब, सब लोग हैं, सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वहां 156 हॉस्टल में रखी जाती थी जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लालू जी के रिजिम में अगर किडनैपिंग किया कोई है ना, उसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ हूं मैं, लेकिन ईमानदारी से समीक्षा करना है तो उसके आगे पीछे की भी समीक्षा कीजिए। अभी जी सतीश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि अब थोड़ा सा आज पे आ जाते हैं, आज का जो इलेक्शन हो रहा है, एक नैरेटिव जो मैं देख रही हूँ वो ये कि हमें तेजस्वी यादव तो कबूल है, हम उसको वोट भी कर सकते हैं, लेकिन जबकि वो माइनस लालू यादव आएंगे, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, दोनों लोग समझेंगे कि चार कट्ठा वाला अगर 10-20 कट्ठा वाले को मारने लगे तो दोनों अमीर नहीं हो जाते। पहली बात, चार कट्ठा वाला भी गरीब है और 10 कट्ठा वाला भी गरीब है।
आज बिहार मेरे हिसाब से पूरा बिहार जीविकोपार्जन की लड़ाई लड़ रहा है। ये जाति की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है। मैं आपको अगली जातियों का दिखा दूंगा, अगली जातियों का बता दूंगा, जो कि आज बेहद ज्यादा गरीबी झेल रहा है। आज वहां पर रोजगार की समस्या भारी है, जीविकोपार्जन की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जो जब ये बात हुई आरक्षण से कि भैया सरकारों में नौकरी मिलेगी, अरे बहाली होगा तब तो मिलेगी, बहाली नहीं होता। खाली सिपाही में या फौज में तो जगह है, जब स्टेट प्रोडक्शन से हट जाए और नारा ये लगे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो नौकरी कहाँ पैदा होगी भाई? कोरोना काल में नौकरी पैदा होगी क्या? तो जो आप पूछ रही है तेजस्वी की जो भीड़ है, 31 साल का, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप माफ कीजिएगा, 31 साल का लौंडा लालू नहीं है वो, और लालू से ज्यादा भीड़ जमा कर रहा है, क्या आप समझ लीजिए? सब लोग भूल गए कोरोना वोरोना। लेकिन लालू नहीं चाहिए, मतलब हमें तेजस्वी स्वीकार है लालू के बिना, मैं समझ रही हूँ इस समीकरण का क्या मतलब है, इस बात की लेने दीजिए बात। हम ये कह रहे हैं आरफा कि वो वहां भीड़ आ रही हो, जाके वोट दे या ना दे, लेकिन एक तेजस्वी का कंट्रीब्यूशन जरूर होगा कि जो बिहार का जो सेंट्रल इश्यू है, जीविकोपार्जन का, कमाई का, रोजगार का, धंधा का, उसको उसने सेंट्रल इश्यू बना दिया है, भले वो मुख्यमंत्री न बने। लेकिन 31 साल के लड़के के रैली में आप देखिए, 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश के रैलियों का में जो लोग आते थे उसकी संख्या देख लीजिए, और इस बार देख लीजिए। तो ये भीड़ इस चीज की है, ये व्यथा की है, और ये व्यथा जो है सिर्फ सतीश के सिंह पे नहीं, आरफा पे भी होती है, रिजवान साहब पे भी होती है, और रतनलाल जी पे भी एक साथ होती है। ये बात सही है कि जो गरीब है, जो दबा कुचला हुआ था, उस पे तो और ज्यादा होती है। हम कह रहे हैं एक बात, आपको पॉलिटिकल मतलब आपको लगेगा मैं जुमलाबाजी कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं कि 3M का खर्चा कहां से निकलेगा? मान लीजिए पेटो भर जाए, सब लोग देखा देखी क्या कर रहा है, मोबाइल खरीदना चाहिए, स्मार्टफोन, अगर DVD भी लेना है तो चाहिए, मोटरसाइकिल जरूर चाहिए, अब मेडिसिन चाहिए, ये सब तो खर्चे आजकल जुड़ रहे हैं ना। यहाँ तो बुनियादी खर्चे की बात है, और बुनियादी लड़ाई मेरे हिसाब से जीविकोपार्जन का है। ठीक है, रिजवान जी, बढ़िया बात कही। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि गरीबी का जो संबंध है, रिश्ता है, वो जन्म से नहीं है, जाति का रिश्ता जन्म से, नंबर एक। नंबर दो, चाहे जितना लालू माइनस कर लीजिए, लालू यादव के बगैर बिहार में कोई राजनीति नहीं हो सकती। बीजेपी भी जाके लालू यादव के नाम पे ही वोट मांग रहा है, बीजेपी भी लालू यादव के नाम, उनके खिलाफ नीतीश कुमार भी लालू यादव के नाम पे वोट मांग रहा है। तो अगर RJD समझती है कि लालू को माइनस करके हम चुनाव लड़ लेंगे और अपर कास्ट हमको नेता मान लेगा, तो ये गलतफहमी में न रहे। अपर कास्ट तेजस्वी यादव को तब नेता मानेगा जब वो CM बने और 80% जो मलाईदार सिस्टम है वो अपर कास्ट अपने पास रखेगा, तब नेता मानेगा, अदरवाइज तेजस्वी यादव को कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। रिजवान कसर साहब, मैंने डॉक्टर मनोज झा से भी पूछा था, जो एक तरह से रणनीतिकार RJD के फिलहाल है, मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये मॉडल जो पॉलिटिक्स का है तेजस्वी यादव का, क्योंकि इसी से ये तय होगा कि लालू जो तेजस्वी यादव है वो माइनस लालू यादव आ रहे हैं या प्लस लालू यादव आ रहे हैं, या उनको गायब करके आ रहे हैं, कि मतलब वो हैं भी और वो नहीं भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स आपको अभी नजर आ रही है, क्या उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि देखिए मैं पिछड़ा हूं लेकिन पिछड़ों की राजनीति करता हूं, लेकिन अगड़ों के खिलाफ नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मेरी सीधे तौर पर या उनकी पॉलिटिक्स से सीधे तौर पर टकराव है, लेकिन मैं मुसलमानों को स्टेज के पीछे छिपा दूंगा। तो जिस तरह से आप ये देखिए कि दाढ़ी टोपी से जो उनका एक तरह का एक झिझक नजर आ रही है, मैं बैर तो नहीं कहूंगी लेकिन एक झिझक नजर आ रही है, वो एक पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन जो करना चाहते हैं, जिसको उन्होंने एक तरह से इकोनॉमिक जस्टिस का नाम दिया है, क्या आपको लगता है कि
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये पॉलिटिक्स जारी रहेगी अगर वो लॉन्गर रन में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, या अभी अभी की बात है कि चलिए चुनाव जीत लेता हूं फिर देखते हैं क्या होगा? अरिफा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, हो सकता है कि बहुत 100% अप्रोप्रिएट मिसाल नहीं हो बट वर्थ कंसिडरिंग। बचपन में हम सब ने अपनी कहानी पढ़ी कि जो है एक तरफ भेड़िया मेमने को कह रहा है कि तू पानी जूठा क्यों कर रहा है, बोला कि मालिक मैं तो पानी के बहाव के दूसरी तरफ बैठा हूं, मैं कहां जूठा कर रहा हूं। तो भेड़िया ये कहता कि अच्छा तू नहीं तो तेरे बाप ने जूठा किया होगा। नो, वेर इज लालू प्रसाद यादव फिगरिंग इन द होल थिंग। वो लालू प्रसाद यादव आज के नजरिए से अगर आप देखें तो इन ए वे ही वॉज ए फोर्स एट सम स्टेज, बट मुझे नहीं लगता है कि टूडे आज की तारीख में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव उतनी बड़ी शक्ति के तौर पर है। और आप ये देखिए कि तेजस्वी को आप टारगेट कर रहे हैं बट तेजस्वी के पीछे फोर्सेस क्या क्या है, पूरा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, दूसरे तरह के तमाम सारे लोग हैं जो एस्पिरेशनल तबका है। और ये जो है सतीश जी की एक बात से 100% एग्रीमेंट है मेरा कि ये बुनियादी तौर पर ये से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल है अरिफा, और तेजस्वी इज ए फेस, बट द फोर्स बिहाइंड तेजस्वी और फोर्सेस बिहाइंड तेजस्वी आर इंटायरली डिफरेंट पीपुल। उसकी पृष्ठभूमि में रख के इस चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा सवाल ये है रिजवान साहब की अगर तेजस्वी यादव जीत भी जाते हैं लेकिन अगर वो जो सोशल जस्टिस का नैरेटिव है, यानी एक व्यक्ति में मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपर कास्ट नहीं है, वो ओबीसी है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपर कास्ट सुप्रीमेसी को बरकरार रख रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन है अगर वाहक वही है? राष्ट्रपति देखिए हमारे आज दलित हैं लेकिन हाथरस इतना बड़ा कांड हुआ, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि उन्हें दुख भी हुआ, मतलब मैं दलित की हैसियत से नहीं कह रही हूँ राष्ट्रपति की हैसियत से भी। तो मैं कहने की कोशिश करूं कि अगर राज स्थापित होना है, सिर्फ आधिपत्य स्थापित होना है, जो पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग हैं उन्हीं का, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तेजस्वी जीते या नीतीश कुमार जीते? एक बात को मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए अरिफा, एंड यू बीइंग सच ए सीजन जर्नलिस्ट, बिहार का इलेक्शन इस समय सोशल जस्टिस के नाम पर लड़ा भी नहीं जा रहा है, बिहार का इलेक्शन बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर लड़ा जा रहा है। रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार है, सोशल जस्टिस का कहीं नारा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक आधार पर ओबीसी के लोग हैं, दलित के लोग हैं, दूसरे हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को भी साथ चल रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ भी चलने रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में और पूरे हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को जो मार्जिनलाइजेशन किया है कि अब दूसरी पार्टियां मारे डर के उनका नाम नहीं लेती है कि हम हमारे कैंपेन में किसी भी तरह से फोकस का हिस्सा रह सकते हैं, और तेजस्वी कम से कम इतनी तो हिम्मत करें कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। सो दिस इलेक्शन इज नॉट इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस अरिफा, प्लीज, इट इज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल बिहार इन द रेलम ऑफ इकोनॉमी, इन द रेलम ऑफ यू नो एम्प्लॉयमेंट। एक पंच लाइन रतनलाल जी, क्या ये समय का तकाजा है कि फिलहाल सोशल जस्टिस की राजनीति इकोनॉमिक नहीं, सोशल जस्टिस की राजनीति है, सोशल जस्टिस की राजनीति है और जिंदा रहेगी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाए चाहे नहीं बनाए, हम बनाएंगे, एक्टिविस्ट बनाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इकोनॉमिक जस्टिस का रिश्ता स्टेट के पॉलिसी के साथ होता है, तो क्या प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई एजेंडा है? किसी पार्टी ने कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे, हम निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देंगे? अगर सारे लोग मिलकर अडानी अंबानी का ही दरबारी करना है, चाकरीगिरी करना है, तो आप कैसे करेंगे? मीडिया में कैसे नौकरी मिलती है हम सब जानते हैं, सर हमारे सीनियर हैं, बैठे हुए हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी होती है हम सब जानते हैं। जाने से पहले आपका पूरा बायोडाटा आपका जात धर्म निकाल लेता है, आप मुसलमान के घर जाके ढूंढिए दिल्ली में, आपको नहीं देगा घर। तो देखिए उसका रिश्ता है पॉलिसीज के साथ है, अगर प्राइवेटाइजेशन पे आपका कोई अगर स्टैंड नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक जस्टिस किसका? देखिए आरक्षण का रिश्ता जो है ना पीड़ा के साथ है,
इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्टेट की मुझे क्या लगता है अरफा, एक बात कहना चाहूंगा मैं। जी जी बोलिए। मेरा ये मानना है कि देखिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो तमाम सारी बातें जो पीछे दिनों से चलती आ रही हैं, सोशल जस्टिस की तमाम तरह की चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो रतनलाल जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तो परमानेंटली बेस में रहेगा, इट हैज अ इनहेरेंट कैरेक्टर इन दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि याद करिए कि जो एक नारा दिया गया था मंडल कमीशन को लागू करने के समय में, जिस तरह से हर जगह ओबीसी असर्शन हुआ था, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक नारा चला था भूरा बाल साफ करो। नौ बिहार का जो ओबीसी असर्शन भी है वो इस स्टेज को भी क्रॉस कर चुका है। अब वो भूरा बाल साफ करने की बात नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि हम पूरे बिहार के स्तर पर अपनी राजनीति को लेकर के चलेंगे और वहां पर हर किसी के लिए जगह होगी। बट हर किसी के लिए जगह तब बनेगी जब बिहार की अपनी जगह सुरक्षित रहेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि दे विल रीअसेंबल। लालू यादव के जमाने में भी सबके लिए जगह थी वहां पे। आप वहां का डेटा उठाइए, कितने सेक्रेटरी कौन थे, कितने वाइस चांसलर कौन थे, कितने बिल्डर कौन थे। तो लालू यादव के समय में भी सब जगह बना हुआ था। उसमें ये था कि डोमिनेंट कास्ट के तौर पे यादव ने एंट्री मार ली थी, एक यही डिफरेंस हुआ था। बाकी जो स्ट्रक्चर था उसी बना हुआ था, सारे अपर कास्ट के लोग इस क्या 30 साल का चैप्टर, 15 साल लालू यादव के, 15 साल नीतीश कुमार के चेहरे के, ये सब चैप्टर खत्म हो गया, अब एक नई शुरुआत हो रही है, क्या ये मानते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ। आरफा जी आप जानते भी होंगे, सब लोग जानते हैं जी, एक मिनट पढ़े लिखे। हाँ बस मैं बोल रहा हूँ, जिस राज्य में इंडस्ट्री के नाम पर क्या है कुछ पता नहीं, जिस राज्य में नौकरी कैसे मिलती है, मिलती भी है कि नहीं मिलती है कुछ पता नहीं है, जिस राज्य में इतना मेल न्यूट्रिशन हो, जिस राज्य में क्या कहते हैं माइग्रेशन सबसे ज्यादा देश में हो, सबसे ज्यादा बड़े राज्यों में हो, जिस राज्य की इकोनॉमी जो है GSDP में 33% बाहर से चलती हो, जिस राज्य में पॉवर्टी जो है 33 से 35% के बीच में हो, और जिस राज्य में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हो बड़े राज्यों में, और जिस राज्य में ड्रॉपआउट भी सबसे ज्यादा हो, तो उस राज्य को चाहे वो आरक्षण के साथ हो, जो ज्यादा पीछे उनके लिए ज्यादा हो, तो वहां तो कोरोना से ज्यादा कोरामिन का जरूरत है भैया। सब चीज होगा तभी तो मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कि गरीब को आवाज मिल गई तो रूस का क्या हाल हुआ था आपने देखा था, ठीक है ना? तो भाई वहां पर प्रोसेस से चलाइए, वहां उद्योग धंधा लगाइए, वहां रोजगार पैदा कीजिए। और जो बात हो रही है नया बिहार बनाने का, तो उसमें तो क्या है कि वो फॉरवर्ड कास्ट का लोग ले जाएगा, टेक्नोलॉजी के जॉब्स ऑब्वियसली है कि जहां जो पढ़ा लिखा होगा उसको, वो उस पढ़ा गया होगा नहीं पढ़ा पाया वो अलग चीज है, उसको ही मिलेगा ना यार। तो जो बुनियादी चीज है वो मैंने पहले ही कहा एक शब्द में, ये जीविकोपार्जन की लड़ाई है, और उसमें जो है ना स्लेट पेंसिल पर पढ़ने वाले का कब जमाना तो लट गया ना भाई। बिहार में तो स्कूलों सब बंद है, वहां तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहा, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा, तो आप नया फोर्स तैयार कर रहे ना भाई, तो आप रोजगारें दे दीजिए, नौकरी मत दीजिए। तेजस्वी यादव बहुत शुक्रिया, आप नहीं दे पाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही कह रहे हैं कि रोटी की लड़ाई हो रही है, लेकिन लेकिन सतीश जी कौन पढ़ पाएगा, किसको पढ़ने का मौका मिलेगा? ये है, तो रोटी नहीं होता है कि आप सम्मान, किस तरह पैदा हुए, आप किस तरह सम्मान के साथ रोटी। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस से, मैं बात कर रहा हूँ, एक दर्जन किताब लिख के, एक दर्जन रिसर्च आर्टिकल लिख के मेरा कोई मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहता है कि आप मेरिट वाले नहीं है। बताऊं, ये सवाल रोजगार का नहीं है, सवाल है जी जी बहुत प्रतिष्ठा के साथ बात करने का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।